नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयपुर में जंतर मंतर के पास, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंदर इसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलने वाला है। अभी हमारे साथ एक भाई साहब यहाँ मिले हैं, कहाँ से आप आए हो? हम लोग झांसी से आए हुए हैं। अच्छा, झांसी यूपी है, वहाँ से बेसिकली आप यहाँ पे विजिट करने के लिए टूरिस्ट? छुट्टियाँ थी इस टाइम पे, कॉलेज थी। अच्छा अच्छा, रक्षाबंधन छुट्टियाँ, तो हम लोगों ने ट्रिप प्लान कर लिया। अच्छा, आप अकेले फिर या फिर फैमिली साथ? फैमिली साथ आए हम। अच्छा, सारे आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आए हैं, बट इन्होंने मिला कि आपको ब्लॉग में मिलेगी ये सारे लोग, काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, तो दोस्तों बने रहिएगा। तो मेरा नाम है त्रिलोकनाथ, वेलकम टू जयपुर ऑल ऑफ यू। अभी आप लोग राजस्थान घूम रहे हो, है ना, और ये राजाओं का स्थान है। तो अभी आप लोग राजस्थान घूमने आए हो, ये राजाओं का स्थान है और ये राजाओं ने राज किया था। राजा मानसिंह फर्स्ट अकबर के सेनापति, वो थे यहाँ के राजा। राजा जय सिंह, राजा ईश्वर सिंह, राजा माधव सिंह, राजा भवन सिंह, इन सब राजाओं के नाम पर राजस्थान और जयपुर शहर राजस्थान का राजधानी। तो जयपुर के संस्थापक थे, वो थे महाराजा सवाई जय सिंह, और उन्हीं के नाम पर जयपुर शहर बन गया। जयपुर को दो बार में डिवाइड कर रखा है, ओल्ड जयपुर एंड पिंक सिटी। मतलब जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो था आमेर। 1727 के बाद आमिर का नाम जयपुर हो गया, जयसिंह के नाम पर। ठीक है, तो ये जयपुर है और ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर की स्थापना 1728 में करवाई गई थी राजा जयसिंह के द्वारा। जंतर मंतर पांच जगह बने हुए, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर, और सभी में धूप पे चलने वाली घड़ियाँ हैं। धूप होगा तो ही ये घड़िया काम करता है, धूप नहीं होगा तो घड़िया काम नहीं करेगा। और इस घड़ी से हम जानते हैं जयपुर का लोकल टाइम क्या हुआ, इंडियन टाइम क्या हुआ, राशि कैसे काम करती है, है ना, अभी सूर्य कौन सी राशि में, सबको जानने के सुमन क्या बनाया। यह है स्मॉल सन डायल, लघु सम्राट यंत्र, और ये घड़ी 12 घंटे काम करता है, सुबह 6 से लेकर और शाम को 6 बजे तक। सनलाइट होगा तो ही ये घड़ी काम करेगा, और सनलाइट नहीं होगा तो ये घड़ी काम नहीं करेगा। और इसे हम जानते हैं जयपुर का लोकल टाइम क्या हुआ, कैसे काम करेगा। सनलाइट होगा ना तो वोल्ट का परचाई जो सामने क्यों गिर रहा है, मेरे साथ में हो, ये इंस्ट्रूमेंट 12 घंटे काम करता है, सुबह 6 से लेके और शाम को 6 बजे तक। 6 to 12 नूम ये पार्ट वर्क करता है, 12 to 6 PM वो पार्ट वर्क करेगा। अच्छा, अभी परचाई का यहाँ पर गिर रहा है तो ये पार्ट वर्क कर रहा है, मतलब 12 बजे आपको लोकल टाइम दिखाएगा आपको। ये आपको इंडियन टाइम जानने के लिए प्लस करना है 33 मिनट्स लोकल टाइम प्लस 33 मिनट, देन वी गेट इंडियन टाइम। अब बोल का शेडो यहाँ पर गिर रहा है, देखो है ना, टॉप पे क्या लिखा हुआ, देखो आप 6 लिखा हुआ, देन 7 8 9 10 11 11, हर एक मिनट का लाइन है। अच्छा, ये एक मिनट का है और छोटी लाइन 20 सेकंड का एक्यूरेसी है। अच्छा, तो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोकल टाइम हो गया 11:18 प्लस 33 मिनट, कितना हो गया 11:48 18 प्लस 33, तो 11:48 हो गया साहब। अच्छा, 33 ऐड करना है, है ना, जब सन आगे बढ़ेगा ना शेडो पीछे बढ़ेगा, 12 बजे बाद शेडो उस बाजू गिरेगा, तब वो पार्ट वर्क करेगा, है ना। तो इधर आओ, लोकल क्लॉक 11:18 जयपुर का लोकल, ये आपको लोकल टाइम दिखाएगा। अच्छा, 12 बजे बाद 12 to 6 PM ये पार्ट वर्क करेगा, तब इसका शेडो यहाँ पर गिरेगा, जहाँ भी इसका परछाई गिरेगा वो आपको लोकल टाइम दिखाएगा। 6 बजे बाद ये घड़ी काम करना बंद कर देगा, 6 to 6 PM। अच्छा, जब ये बनाया गया था उस टाइम पे तो घड़ी नहीं था, तो सबसे पहले एक मतलब बेसिकली ये बनाया गया है, मतलब घड़ी टाइम की रही ना, टाइम के हिसाब से टाइम को। सबसे पहले पीतल वाली घड़ी आती है, फिर बाद में पत्थर की घड़ियाँ बनाई है ना। आओ देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं पोल स्टार इंस्ट्रूमेंट, और इससे हम जानते हैं ध्रुव तारे का पोजीशन, और ये इंस्ट्रूमेंट सनसेट होने के बाद काम करता है। ज्योतिष शास्त्री यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठेंगे लाइक मी दैट सी फ्रॉम हियर, कुछ यहाँ से टॉप पे देखेंगे तब वहाँ दिखाई देगा पोल स्टार आपको, ध्रुव तारा, वो ना नीचे होगा ना ऊपर होगा ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा, पोल स्टार आपको वहीं दिखाई देगा हमेशा। पोल स्टार कभी नहीं मूव होता, कभी पूरा मूव होता है, तो ये उसको जानने का इंस्ट्रूमेंट है पोल स्टार इंस्ट्रूमेंट।
पुराने जमाने के बिल्कुल एग्जैक्ट खास स्पेशल बिल्कुल और क्या कह सकते हैं अभी। अब वो क्या है वहाँ पे उतना वो जो बड़ा लोहे वाली लगाई है वो है राजयंत्र और उसे हम जानते पंचांग के बारे में। अच्छा हाँ तंत्र बनाने का इंस्ट्रूमेंट है वो। अच्छा पंचांग का जो कॉन्सेप्ट था पहले वो हाँ वो पहले इसकी बस पे था उस जमाने में। सब देखो आओ जी आपका नाम सर शिवदेव जी जयपुर आप पहली बार आए हो ना आप तो जंतर मंतर दुनिया में सबसे डिफरेंट मोनूमेंट है ये। आपने पहले मंदिर मस्जिद म्यूजियम सब कुछ देखा होगा पर जंतर मंतर पूरा साइंटिफिक है ऐसा इंस्ट्रूमेंट दुनिया में कहीं नहीं है जो वर्किंग कंडीशन में। ये सामने जो घड़ी है इसको नाड़ी वाला यंत्र बोलते हैं है ना और इस घड़ी को दो भाग में डिवाइड कर रखा है जो पीछे का जो पार्ट है वो दक्षिणायन है ये पार्ट है उत्तरायण। ऐसा क्यों सूरज छः महीना उत्तरायण में होता है और छः महीना दक्षिणायन में होता है तो अभी जो सन स्टे है वो उत्तरायण में स्टे है तो अभी ये पार्ट वर्क कर रहा है जब सन दक्षिणायन में जाएगा पीछे वाला घड़ी काम करेगा। हाँ तो देखो जरा साहब देखो सितंबर के बाद से पीछे वाला घड़ी काम करेगा सितंबर और जनवरी। अब देखो ये भी आपको लोकल टाइम दिखाएगा कैसे ये बीच में जो लोहे का दिखा आपको इसका परछाई कहाँ गिर रहा है दिखा आपको जहाँ का परछाई गिर रहा है लाइन में आओ सीधे ये आपको लोकल टाइम दिखाएगा 11 का समथिंग 22 मिनट के आसपास होगा है ना तो 11 20 22 मिनट प्लस 33 जब सन आगे बढ़ेगा तो शेडो पीछे बढ़ेगा देन 12 1 2 3 4 5 6 है ना शेडो भी ऐसे चलता जाएगा और ये घड़ी काम करता रहेगा। कमाल का कॉन्सेप्ट है ना और साहब ये सारे कमाल के कॉन्सेप्ट है दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा ज्योतिष पे उस टाइम का है जब साइंस टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। कब का बना हुआ है जी साहब उस टाइम जब साइंस टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। देखो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जी उस जमाने के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर। अच्छा सवाई जयसिंह जी जयपुर के सबसे बुद्धिमान राजा थे और उन्हीं के नाम पर जयपुर शहर है उन्हीं के नाम पर जंतर मंतर है और उन्हीं के नाम पर जयगढ़ है। वो एस्ट्रोलॉजर वो खुद ही थे वो खुद ही उन्हीं ने ये सब डिजाइन किया और उन्हीं की सलाह से पूरा ये जयपुर शहर बनाया गया था। साहब देखो अच्छा आप जो 12 बजे के बाद बोल रहे थे वो लोकल टाइम 12 बजे होने के बाद ही वाली वर्क करेगी या नहीं ये मेन वाली लाइक विंटर वॉच एंड समर वॉच वो जो होते समर के लिए ये विंटर वॉच है ना जब सन दक्षिणायन में आएगा तब ये घड़ी काम करेगा फिर वो वाला पार्ट रेस्ट करेगा। देखो आगे आओ थोड़ा सुनो देखो अभी ये घड़ी काम नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि अभी सन उत्तरायण जब सन दक्षिणायन में आएगा तब ये घड़ी वर्क करेगा और पीछे वाला घड़ी रेस्ट करेगा तो ये घड़ी 6-6 महीने वर्क करता है साहब क्लियर। दक्षिणायन जब होगा तो इस साइड कैसे आने लगेगी सन क्या होता है सूर्य की गति सूर्य 6 महीना उत्तरायण में होता है और 6 महीना दक्षिणायन में होता है सन थोड़ा ऐसा हिलता है जब मौसम चेंज नहीं होता है। वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया ना उस साइंस में कैसा लगा आपको सर बिल्कुल मस्त बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है जयप्रकाश यंत्र और इससे हम जानते हैं सूर्य कौन सी राशि में अभी जो यस जो बच्चा अभी पैदा होगा उसका सूर्य राशि क्या हुआ ये आपको दिखाएगा इंस्ट्रूमेंट। कैसे दिखाएगा आपको जब सनलाइट होगा ना ये प्लेट का परछाई कहाँ गिर रहा है वहाँ गिर रहा है और जहाँ भी परछाई गिर रहा है वहाँ लिखा हुआ है सिंह लियो उस परछाई के नीचे लिखा हुआ सिंह मतलब जो बच्चा अभी पैदा होगा उसका सूर्य राशि सिंह होगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको दो भाग में डिवाइड कर रखा है लाइक माई फिंगर देखो ऐसे आधा पोर्शन इसका ये वाला इसका आधा पोर्शन वो पीछे गया अभी ये पार्ट वर्क कर रहा है जब सन आगे बढ़ेगा ना तभी शेडो आगे बढ़ के सीढ़ी में गिरेगा तो ये जो ब्लॉक है पीछे वर्क करेगा फिर एक घंटा ये पार्ट रेस्ट करेगा फिर एक घंटा वो वर्क करेगा फिर एक घंटे बाद शेडो इस मार्बल पे आएगा इससे हम सूर्य की राशि जानते हैं। टाइम कैसे कौन से घंटे में कौन सी काम कर रही है ये कैसे जिस मेरे पास टाइम पर सपोज मान लो ये घड़ी ये दोनों घड़ियाँ ऐसे होती लाइक बाउल ऐसे होता तो इसमें पानी भर जाता गिव अ टू पार्ट फॉर योर स्टडी एंड क्लीननेस। अब इस परछाई इस पर गिर रहा है ना जब सन आगे बढ़ेगा परछाई पे आगे बढ़ेगा
फिर सीढ़ी में गिरेगा सीधे परछाई, ये जो ब्लॉक है वहाँ वर्क करेगा, फिर एक घंटा वो पार्ट वर्क करेगा, फिर एक घंटे बाद जो शेडो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ना, फिर एक घंटे बाद शेडो इस मार्बल पे आएगा, फिर ये वर्क करेगा, फिर वो दस करेगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट एक एक घंटा वर्क करेगा। इसमें सिंह जनासी लिखा है क्या? वहाँ देखो उसके परछाई के नीचे लिखा हुआ सिंह लियो। अभी प्लेट का परछाई कहाँ गिर रहा है दिखा आपको? इसका मतलब ये ब्लॉक वहाँ वर्क कर रहा है, फिर ये यहाँ बना है। जब शनिधर आएगा ना वेस्ट में आएगा, तब शेडो कल चल के इस मार्बल पे आएगा, फिर ये वर्क करेगा, फिर वो पार्ट पहले से ही ये भी बना हुआ था ये जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साफ देखो ये पूरा साइंटिफिक है पूरा, जो यहाँ बिना गाइड आया कुछ समझ नहीं पाया। ये वाली क्लॉक जो है वो रात में वर्क नहीं करती, ये सभी घड़ियाँ वर्क करती है रात में भी। रात में कैसे करती? फर्स्ट फ्लोर जब यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं अपने हिसाब से किसी चीज़ का। अच्छा, रात में। और जो सामने बड़ी ट्राइंगल वो देखिए आपको, ये जो बड़ी बोलो सामने जो एशिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी। यस, और इससे हम जयपुर का लोकल मानसून जानते हैं। लोकल मानसून कैसा होगा इसके बारे में इससे हम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्री आते हैं देवन गुरु पूर्णिमा को, जो साल में एक बार आती है, तब ज्योतिष शास्त्री आएंगे और इसके टॉप पे दे पुट द फ्लेक, फिर झंडे के रूप से मालूम पड़ता है जो आने वाला मानसून किधर से आएगा, कैसा मानसून आएगा, तो ये आपको दिखाएगा है ना, कैसा मानसून होगा कैसा मानसून नहीं होगा। और आज भी हम जयपुर का लोकल मानसून जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं और ये परफेक्ट शो करता है। अच्छा, है ना। और वो सामने जो पहाड़ दिखा आपको, वो अरावली पहाड़ है, दुनिया के पुराने हिल्स है। पहाड़ के टॉप पे जो फोर्ट है वो है नाहरगढ़ फोर्ट और टाइगर फोर्ट है ना। और ये जो फ्लैग दिखा वो सामने की ओर येलो बिल्डिंग, सिटी पैलेस है जो जयपुर के राजाओं का रहने का पैलेस है। आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली इसी पैलेस में रहता है ना। ये सब राशि वाले यंत्र बने हुए, इससे हम राशियों के बारे में जानते हैं, जो बच्चा पैदा हो गया उसके राशि में कौन सा नक्षत्र काम कर रहा है, ये इसमें आपको दिखाते हैं है ना। मेरी राशि का पता, और इसी के हेल्प से हम जानते हैं पंचांग के बारे में, पता चल जाएगा इनका राशि बता दो। मेरा हर्षित नाम की कौन सी राशि होगी? अब ये जैसे बताएंगे हम, ये ज्योतिषी को भी एक साथ में लेके आना पड़ेगा। एक पास चलेगा अपन, अभी आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाना, वो पूरा बता देगा आपका भविष्य क्या है क्या नहीं। सही बात है। और ये आगे मैडम आगे आओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है रामा यंत्र, और इसे हम जानते हैं पृथ्वी का रोटेशन। अच्छा। पूरा पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है ना, तो ये बताएगा आपको पृथ्वी अभी समय कितना डिग्री एंगल घूम चुका है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको दो भाग में डिवाइड कर रखा है, इसका जो मिसिंग मार्बल है वो उस तरफ है और उसका मिसिंग मार्बल यहाँ बना हुआ है। अच्छा, वो मतलब 12 मिसिंग मार्बल यहाँ है तो 12 मिसिंग मार्बल वहाँ है ना। वही वही चीज, सनलाइट होगा तो ये घड़िया काम करेगा, सनलाइट नहीं होगा तो घड़िया काम नहीं करेगा। क्लाउडी वेदर हो गया ना, अब परछाई कहीं नहीं गिर रहा होगा, तो इसके लिए परछाई गिरना कंपलसरी है। अब सब मेरे साथ में आओ, देखो एक बार अभी वो पार्ट वर्क कराओ कैसे। अच्छा, पर वहाँ चलते हैं क्योंकि इसका जो शेडो यहाँ नीचे गिर रहा है, ये पार्ट अभी वहाँ वर्क कर रहा है। अच्छा, और इनकी डिस्टेंस भी सबकी फिक्स हो गई, एक्यूरेसी परफेक्ट है जी, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। इधर से आओ, इधर से आओ, देखो पाइप है ना, इसका शेडो कहाँ गिर रहा है? इस पे आ रहा था, इस कॉलर पे आ रहा है। और इसका टॉप पे क्या लिखा हुआ हिंदी में कुछ दिखा आपको, कितना लिखा हुआ इसका पाइप पे शेडो कहाँ गिर रहा है? देखो यहाँ पर गिर रहा है। और टॉप पे हिंदी में वहाँ क्या लिखा हुआ है कोने पे? 330 लिखा हुआ है। मतलब पृथ्वी अभी इस समय 330 डिग्री एंगल घूम चुका है। जब सन आगे बढ़ेगा ना शेडो क्यों बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। और दिन के 12 बजे शेडो
और जीरो कहाँ लिखा हुआ है कोने पर देखो सामने की और पीछे की और आपके इस वाले मानव वो जीरो है वो जीरो है जीरो टेन ट्वेंटी दो दिन के 12 बजे शेडो अभी चल के इसको नहीं पाएगा तब पूरा पत्ती ग्राउंड कंप्लीट कर चुका है यहाँ पे आपने क्या देखा इसकी पाइप का शेडो नीचे पड़ रहा है कुछ आधा इस पे था कुछ आधा इस पे था आप ये ना जब सन आगे बढ़ेगा ना इसे शेडो भी चलेगा ऐसे चलेगा 31 का आएगा 32 33 34 बढ़ेगा इसी लाइन के साथ फिर 1 घंटे बाद शेडो नीचे गिरेगा तो वो पार्ट वहाँ वर्क करेगा है ना फिर 1 घंटे बाद शेडो इस पे आएगा फिर ये वर्क करेगा फिर वर्क करेगा तो इंस्ट्रूमेंट 1-1 घंटा काम करता है अब ये मिसिंग पार्ट क्यों दिया सपोज ये मिसिंग पार्ट नहीं होता ये ऐसे होता है ना तो आप इसके अंदर आ नहीं पाते तो ये आपके स्टडी के लिए इसमें ऐसा गैप दिया गया कैसा लगा साहब आपको भाजी थोड़े घूम का अभी देखना ये पाइप का शेडो एक मिनट निकल जाए एक मिनट दो मिनट रुको एक बार निकल जाए अभी यहाँ पर कई लोग आते हैं बिना गाइड के है ना वो गाइड नहीं करते वो लोग अरे क्या पत्थर ही दिखा रहा है या टाइम खराब कर रहा है मेरा यार क्यों सर इसने गाइड किया वो पत्थर नजर आ रहा है चारों तरफ डिजाइन पत्थर सर देखो सुनो मैडम सर इधर आओ आप भी सुनो देखो इसका पाइप का शेडो कहाँ गिरा अभी ये गिरा इसका मतलब अभी ये पार्ट रेस्ट अभी ये पार्ट रेस्ट करा मिसिंग पार्ट जब सन आगे बढ़ेगा ना शेडो आगे बढ़ के इस मार्बल पे आएगा तब ये पार्ट वर्क करेगा फिर वो पार्ट रेस्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इसका यहाँ पर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यहाँ पर है ना अभी आपने क्या जयपुर का क्षेत्र वो मिसिंग पार्ट पे था ये पूरा कम्प्लीट पार्ट है पूरा ये दोनों इधर आओ अभी आप देख के हैं जयप्रकाश यंत्र उसी का कंप्लीट पार्ट है ये है ना ऐसे बनाओ तो उसको एडवांस प्रोजेक्ट घोड़ा दिया गया सील खाओ पाइप में ताज भी बड़ा उसका पर्चा ही सील पर गिर रहा है अभी सूर्य सिंह राशि में है जो बच्चा अभी पैदा होगा उसका सूर्य राशि सिंह होगा और इससे हम जानते हैं सूर्य की गति के बारे में सूर्य की होती है गति किस हिसाब से जो चल रहा है उत्तरायण और दक्षिणायण ये भी आपको वही दिखाएगा अच्छा ये कैसे होता है एक्चुअली अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा है इसको यहाँ से लोक कर रखा है एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर आते हैं यहाँ टेलीस्कोप लगाएंगे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका अटैच करेंगे इसका परछाई यहाँ पर गिरेगा जहाँ भी इसका परछाई गिरेगा तो वो आपको दिखाएगा सूर्य की गति सूर्य अभी उत्तरायण में कितना जा चुका है दक्षिणायन में कितना जाना बाकी है अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जल्दी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद